भारतीय क्रिकेट में इस समय जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। बुमराह जिन्होंने 2022 सितंबर महीने के बाद से बैक इंजरी के चलते एक भी मुकाबला नहीं खेला है, वह आगामी आईपीएल 2023 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। खबरों के मुताबिक जसप्रीत बुमराह अब न्यूजीलैंड में अपनी बैक इंजरी की सर्जरी करवाने के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके वनडे वर्ल्ड कप 2023 तक फिट होने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। पिछले महीने में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जसप्रीत बुमराह जल्दी फिट होकर मैदान पर वापसी कर सकते हैं। हालांकि जब उन्होंने एनसीए में कुछ अभ्यास मैचों में हिस्सा लिया तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट उस आधार पर सामने नहीं आ सकी जिसकी सभी उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद बीसीसीआई मेडिकल स्टाफ ने उनकी चोट को लेकर लगातार निगरानी रखने के बाद उन्हें खेलने की मंजूरी नहीं दी है। इसी बीच 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुके पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मदनलाल ने बुमराह की टीम में वापसी को लेकर ऐसा बयान दिया है जो कि इस समय पूरी तरह से चर्चा में है। दरअसल मदनलाल ने अपने बयान में कहा कि बुमराह को अब वापस आने में लंबा समय लगेगा। मदनलाल ने स्पोर्ट्स तक पर जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम उमेश यादव को तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर लेकर जाएगी। बुमराह को अब भूल जाना चाहिए, उसे छोड़ दीजिए, जब वह वापस आएंगे तब देखा जाएगा। इस समय आपको उन खिलाड़ियों को लेकर योजना बनानी चाहिए जो आपके पास उपलब्ध है। अभी बुमराह की वापसी को लेकर कुछ तय नहीं है, हो सकता है उन्हें 1 से 1.5 साल वापसी में लग जाए। अपने बयान में मदन लाल ने आगे कहा कि किसी भी खिलाड़ी की चोट ठीक होने में अधिक से अधिक 3 महीने का समय लगता है। यहां तक कि हार्दिक पांड्या भी 4 महीने में अपनी बैक की सर्जरी कराने के बाद मैदान पर वापसी करने में कामयाब हो गए थे। वहीं बुमराह को लेकर देखा जाए तो उन्हें 6 महीने अभी तक बीत चुके हैं। ऐसे में आप कैसे उनकी वापसी को लेकर अभी से कुछ सोच सकते हैं? आपको इसके लिए धैर्य रखना होगा क्योंकि बुमराह को अब पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा।